हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस लिए रेडी हो रही हूँ। तो हम जा रहे हैं एक शादी। तो फ्रेंड्स, हम जिस शादी में जा रहे हैं, वो शादी का इनविटेशन एक्चुअली दीप्ति है मेरी फ्रेंड, उसकी तरफ से आ रखा है हमारे लिए भी। तो मैंने कहा ठीक है, पास ही में है, ज़्यादा दूर होती तो शायद हम नहीं जाते। बट ये है पिरुमदारा मेन रोड जो है चौराहा, उसी के जस्ट पास में है बैंकट हॉल आशीर्वाद। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, मिलते हैं आप लोगों को शादी के वेन्यू में पहुँच के। आशीर्वाद ग्रीन गार्डन में एंट्री हो चुकी है हम लोगों की। दिखा दूँ किसी को बुलाया होगा बाहर का डेकोरेशन। चलो चलो, तो हो चुकी हम लोग की एंट्री, आते तुम। चलो तो बारात भी पहुंच चुकी है। Oh, 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 oh
खाते खाना। तो फ्रेंड्स फाइनल डांस के बाद खाओ या ना खाओ
बाद क्या क्या खाऊंगी वो आप लोगों को सब बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खाया। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ टिक्की के स्टॉल पे और अब मैं एक टिक्की भी टेस्ट करूँगी। टिक्की भी बहुत अच्छी थी। तो अब मैं और देख रही हूँ कि मेरे खाने लायक और क्या है। तो गाइस लेने पहुँच गई थी लेकिन प्लेट ले जाना भूल गई थी तो अब मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए प्लेट। खाना तो खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो दीप्ति की प्लेट में केवल सैलेड है और एक पतली सी रोटी। और दीप्ति मुझे कह रही है मैं जिम ज्वाइन कर लूं तो क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेन्यू में क्या है। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैंने यहाँ पे आकर के क्या क्या खाया वो आप देख के आइडिया लगा लो क्योंकि मैं नाम नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी क्या चीज़ है। लेकिन जो भी है ऑल ओवर बहुत टेस्टी है। कितना खा लिया मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। दीप्ति तो सैलेड खा रही है और मैं ये सब खा रही हूँ। मैं इसके लिए खाना ले आती हूँ तो मेरे डोसा ले ले। अबे क्या मिलता है प्लेट में मिलता है ना डोसा तो। तो फ्रेंड्स फाइनली खाना भी हो चुका है और मैं घूमते फिरते ज़्यादा खा चुकी हूँ। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैं ज़्यादा खा चुकी हूँ लेकिन अब लग रहा है। तो अब मुझे कुछ नहीं खाना और अब उधर दुल्हन भी आ चुकी है तो हम फटाफट दुल्हन को देखेंगे और दुल्हन को देखने के बाद हम चलेंगे घर को क्योंकि टाइम हो चुका है रात के 11:30 बज चुके हैं और हमें बहुत दूर तो नहीं जाना है लेकिन दूर ही जाना है और सुबह बच्चों का स्कूल भी है। तो हम फटाफट दुल्हन को देखने के बाद हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको दिखा दिया जाए दूल्हा दुल्हन को जिनकी शादी में हम आए हैं बिना इनविटेशन के। जाने लगे हैं घर को और जो मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि इनविटेशन में जाने के बजाय विदाउट इनविटेशन जाने में ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं चाहे वो फिर डांस में या फिर खाने में। मैंने तो बहुत किया और आप भी करना एक बार। अगली बार से भी मैं ऐसे ही जाऊँगी। अगर मेरे लिए इन्विटेशन नहीं भी आया होगा ना मैं फिर भी जाने वाली हूँ दीप्ति के साथ। एब्सोल्युटली राइट। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर को। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जानने वालों के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गुड नाइट।